ओ हेलो, इधर आ। नाम क्या है तेरा? शोभा। पूरा नाम बोलने में पैसा लगता है क्या? शोभा सिंह। तुझे शायद पता नहीं कि जो इस कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आता है उसे मेरा हुक्म बनना पड़ता है। तो चल कुत्ता बन। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? Come on, कुत्ता बन। अपने रूठे पर आए रूठे यार। हलीना, कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। रुक, अभी दिलाती हूँ तुझे मैं मजा। ला। टूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ झूठे ना रूठे तो। ले चल बिस्किट्स खा। साथ झूठे ना, ओ अल्लाह बावरिया मैं तो हारिया। ऐसे नहीं, कुत्ती जैसी खाओ। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बेल रिंग होने वाला है। देखना कैसे खा रही है, शी लुक्स लाइक अ ब्लैक डॉग। आज के लिए बस इतना ही, बी रेडी फॉर टुमारो, लेट्स गो गर्ल्स। ये खा। नहीं। क्यों, घिन आ रहा है तुझे? पर इसमें घिनौनी वाली बात कौन सी है? तू तो है काली और गंदी, और तेरे जैसे लोग तो ऐसे खाना खाते, तो खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। खाने बोला है मैंने तुझे, मेरी बात को कोई डिच करे ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तूने मेरी ईगो नहीं देखी, और ना ही देखा वही बेटर है, क्योंकि अगर देखेगी ना तो नानी याद आ जाएगी तेरी। चुपचाप अब देख के आ रही है, खाना खा। गुड, और नेक्स्ट टाइम से प्लीज मुझे मना मत करना, क्योंकि मैं कितनी बूढ़ी हूँ वो तू सोच भी नहीं सकती। और मेरी बुराई तेरी अच्छाई पे भारी पड़ सकती है, समझ जा। मजा नहीं आया क्या? हमें तो बहुत मजा आया। क्या गाइस, एंटरटेन हुए नहीं? हाँ यार, बहुत एंटरटेन हुआ। इस आंसू को बचा के रख, आगे काम आएगा, क्योंकि मैं तुझे रोज परेशान करने आऊंगी।
क्योंकि तुझे रोज मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मुश्किल है पर मजेदार है। बाय बाय ब्लैक डॉग। ये क्या था? आपने मेरी मदद की पर क्यों? ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। अब जाओ और इस कहानी का अंत कर दो। काली का मजाक बना के बहुत मजा आता यार, और वो हर बार मेरी बात मान भी लेती है। मैंने तो सोच भी लिया है कि कल क्या करना उस काली के साथ। कल मैं कॉलेज जाऊंगी और उसे ऐसा मजा चकाऊंगी कि वो कॉलेज जाने भूल जाएगी। मजाक बनाएगा। अरे ये इतनी सुंदर कैसे बन गए? वो भी रातों रात। ये बात तो अलीना को बताना पड़ेगा। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आके घर पे छोड़ के आई है क्या? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं हूँ मैं, एलिना। एलिना तू, ये सब क्या हो रहा है? वो शोभा गोरी और तू काली, ये क्या कंफ्यूजन है? ओ, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ज्यादा अपनी खूबसूरती पर घमंड करोगे तो ऐसा ही होगा। माफ करना शोभा, मैं इतनी गिर गई थी कि मैं इंसानियत भूल गई थी। पर आज जब बात मुझ पे आई तो मुझे लगा कि जब मैंने उन्हें इंसल्ट किया तो उन्हें कैसा लगा होगा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दी और अपना दिया हुआ श्राप वापस ले रही हूँ। पर इसे हल्के में मत लेना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगली बार मैं तो क्या, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू सो मच। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से हम हमेशा के लिए दोस्त बन के रहेंगे। चलो, अंत भला तो सब भला। और आप सब भी अपना लाइफ में कभी किसी को नीचा मत दिखाना। और हाँ, आप सब हमारे वीडियोस देखते तो पर लाइक नहीं करते।
सब्सक्राइब नहीं करते तो जाओ अभी जाकर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। एंड गाइस कमेंट करो कि नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। लव यू बहुत सारा। बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह 12 बजे न्यू वीडियो के साथ।